नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। कुमार धुबी में धनबाद एसपी ग्रामीण रेशमा रमेशन ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के सभी सीएसपी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी व ओपी प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों व ओपी के अपराध ग्राफ की समीक्षा की गई। एक एक कर सभी थाना व ओपी प्रभारियों से अपराध की स्थिति तथा उसके निपटारे को लेकर जानकारी ली। वही थाना द्वारा हुई कार्रवाई की भी चर्चा की गई। सभी को आगामी होली और शबे बारात को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में आपराधिक मामलों को लेकर आज कुमार धुबी में ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले सभी थाना व ओपी के प्रभारियों के साथ आपराधिक गोष्ठी की गई। इस दौरान सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वही क्षेत्र में चल रही कोयला के अवैध कारोबार के संबंध में बताया कि क्षेत्र में किसी तरह के अवैध कारोबार किसी को करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए सभी थाना व ओपी प्रभारी को कहा गया है। वही क्षेत्र में किसी भी अपराधी द्वारा अगर कोई धमकी मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही सभी से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। गोष्ठी में निरसा, टुंडी व बागमारा क्षेत्र के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रार्थना है और विनती है कि सब लोग सेफली होली खेले, बिकॉज बहुत बार हम लोग ये देखता है कि होली खेलने में ज़्यादा जोश में आके कुछ क्या बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जोश में लोग आके कुछ क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत मारपीट का भी घटना हमारे सामने आता है। और नशा लेने के बाद वो छोटे छोटे बातों पे मारपीट का घटना सामने आ रहा है हम लोगों का। तो पब्लिक से यही विनती है कि सब लोग सेफली अच्छे से होली खेले और किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्व के बारे में अगर कोई उस तरह का फॉल्स न्यूज़, कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं या फिर उन लोग किसी भी तरह का परेशानी हो तो वो पुलिस कंट्रोल रूम में बताए या फिर हर सब डिविजन लेवल पर हम लोग कंट्रोल रूम बना रहे हैं, नहीं तो सीधा थाने को फोन कीजिए, सो दैट ऐसे इंसिडेंट्स फ्लेयर अप ना हो और शांतिपूर्व सब लोग होली खेल सकें। पिछले साल के कंपैरिजन में और जनवरी माह के कंपैरिजन में फरवरी में अपराध जो हम लोग देखेंगे तो काफ़ी कम हुआ है और बड़ी सफलता भी हम लोगों को मिला है। जैसे अमन सिंह गैंग का जो ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग है उसका कुछ लोगों को हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। साथ में ही बाइक चोरी का एक इंटरस्टेट जो गैंग और हम लोगों के टीम जाके वन बोकारो, गिरवी और जमदारा एरिया से भी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटरस्टेट रेड करके करीब हम लोगों को 11 बाइक बरामद हुआ है और उसमें 6 से 7 लोग जो हम लोग ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो अपराध के कंट्रोल मतलब क्राइम कंट्रोल में काफ़ी इस महीने हम लोगों को सफलता मिली है। अवैध तरीके से जो भी बिजनेस हो रहा है, कोयला का भी बिजनेस हो, जो भी हो रहे हैं उसमें कानूनी कार्रवाई करने का, लगातार रेड करने का और कानूनी कार्रवाई करने का दिशा निर्देश सब थाना और उपप्रभारी को दिया गया है।